शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। What a nice mouse! इस तरह का सॉफ्ट माउस मेरे हाथ में लग गया तो मैं सारी रात काम करता रहूंगा। आए, ये माउस हिल क्यों नहीं रहा? This mouse made in which country, यार? सर, आपके हाथ में माउस नहीं बल्कि कौशल्या का हाथ है। कौशल्या, वेरी सॉरी। एवरीबॉडी लुक एट हियर, मेरी अगली खोज ये है। Hey, excellent. क्यों रे? कंप्यूटर की टांग खींच रहा है। मेरा अपमान किया। आजकल हाथ रखने से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। इस हाथ में जादू है। ऐसा कौन सा तूने आविष्कार किया? सीधे मॉनिटर, मैं बचपन में कैसा था देख सकते हैं आप, और बुढ़ापे में मैं कैसे लगूंगा वो भी देख सकते हैं। मेरे कमाल को दिखाना। ए साहब, के लिए मरना लेके आओ। इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में क्या बनूंगा वो भी दिखा दूंगा। आप देखने के लिए तैयार है क्या? कंप्यूटर पर तुम एक्सपर्ट हो, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? ओके। माउस और स्पाउस में क्या फर्क है? क्या फर्क है? माउस कहीं भी जाके घूम सकता है, लेकिन स्पाउस चार दीवारी के अंदर ही। व्हाट एन इंटेलिजेंट यू आर प्लेटेड टू मी। होता नहीं या नहीं आता? देखिए, मेरी उलझन को आप ही सुलझा सकते हैं। ये मेरे दोस्त का बेटा है, इससे मेरी बेटी की शादी होने वाली है। बचपन में दोनों की सगाई हो चुकी है। नो, बाल विवाह मैंने कराऊंगा, अंदर कर देंगे। 18 साल पहले गायब हो गया था, अब कैसा दिखता है बताओ, और इसे ढूंढ निकालने का काम मेरा है। अरे, इस लड़की को ढूंढ कर आप अपनी बेटी की शादी से करवाना चाहते हैं? मतलब आपकी बेटी मस्त चीज होगी? हे, तमिल से बात कर, नॉनसेंस। मेरी बेटी कौन है मालूम? शहर की ब्यूटी क्वीन है। दिखने में बहुत कोमल है, अगर एक हाथ पड़ गया ना 32 ही बार आ जाएगी। मानो या ना मानो, वो तो हूर है। चल वहाँ चलते हैं। हाँ ठीक है, वहीं पे चलेंगे। ओके, हेलो, आपको हिंदी नहीं आती ना? सॉरी, वी डोंट नो दैट लैंग्वेज। तब तो अच्छी बात है, तुम हमारे साथ चलोगी, बोलो ना। व्हाट? अंदर चलना। यू? हेलो, एक एक करके आओ, लेकिन इसी तरह तुम लोग को आना होगा, यही हमारी विनती है। क्या बोलती है? क्या बोलती है? हम तैयार है, तुम तैयार हो? हम बाहर वेट करेंगे, चलो बाद में इंग्लिश में बात करेंगे। इसीलिए मैंने इंग्लिश मना किया, तू नहीं मानी। हे, क्या हुआ? वो लोग हिंदी में कुछ गालियां देके जा रहे हैं। अब तो तुम शुद्ध हिंदी बोलती हो, लेकिन उनके सामने अकड़ कर अंग्रेजी में बात करती हो। तुम्हें सबक सिखाने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया होगा। अब देखो, आओ मैना, तुम्हें भी हिंदी आती या नहीं? आती है मुझे। ये तो गंदी गालियां दे रही है। चलो यार, चलते हैं। जल्दी जल्दी, इस छोटे से बक्से के अंदर क्या क्या है? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? दूल्हे को ढूंढ रहा था। फिर से आपने दूल्हा ढूंढने का काम शुरू कर दिया। आप चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन वो वापस नहीं आने वाला। इस बकरे की दाढ़ी बढ़ गई है, इसकी हजामत के लिए 500 रुपए दे के आइए। Don't insult my salon software. मैं बात में नहीं काम पर विश्वास करता हूँ। देखो, इस थोपड़े को कमल हासन ही सुंदर बना सकता है। कमल हासन को क्यों बुलाओगे, तुम खुद नहीं कर सकते? सुनो, मॉर्चरी में कभी लावारिस लाश को देखी है? वो कैसी होगी बताओ? ऐसे ही। फिर इसे क्यों दिखा रहा है? इससे आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं। सर, आपके गलत फैसले से आपकी बेटी जरूर सुसाइड करने वाली, जाके बचाइए ना। मर्डर करेगी या सुसाइड करेगी अभी पता चल जाएगा। शट अप। मेरे कंप्यूटर की शक्ल चली गई। अब मैं क्या करूंगा? ऐसी शक्ल दिखाई कि जिंदा आदमी भी साला मुर्दा हो जाए। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं हूँ ना। अरे रे, अरे रे, नहीं साहब, अरे साहब, ये काम मत। अरे रे, तोड़ दिया। डैडी, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। फिर से आपने इस तरह की गंदी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। हाय 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 हाय, इंश्योर के बिना इंस्टॉलमेंट में खरीदा। अरे क्या मुंह दिखाऊंगा बैंक वालों को। क्यों कंप्यूटर की रट लगा रखी है? यही जानना है ना कि मेरा खोया बेटा कैसा दिखता है? वो मेरी तरह सुंदर दिखता है। ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखेगा। किस लिए ये आर्गुमेंट? सुनिए तो, मेरा जमाई बिल्कुल मेरी तरह सुंदर और सुशील होगा। देखा बेटी, मौका मिलता उसने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। कहने दीजिए ना डैडी। डोंट यू थिंक इट्स टू मच? जब तेरी मम्मी को देखने गया, मेरी आई डम्मी थी, इसे ठीक से ना देखने की वजह से आउट ऑफ फोकस में ओके कह दिया। शादी के बाद तो मैं सूरदास बन गया। ये तो मैं भी जानता हूँ, और आपने अपनी सुहागरात अस्पताल में मनाई है। इसे याद दिलाओ। इसमें इतनी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा बेटा मेरी तरह सुंदर है, जब वो आएगा तो तुम लोग खुद ही। तो नहीं लगता आंटी, बचपन से मैं भी यही सुनती आ रही हूँ कि वो आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, लेकिन आज तक नहीं आया। आंटी, फिलहाल क्या
आपको अपना लाडला चाहिए, यही ना? थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दीजिए, उसके बाद देखिए मुझे लगाकर मैं आपका लड़का बनकर यहाँ के खड़ा हो जाऊंगा। देखो बेटी, तू मेरा लड़का बनकर आएगा तो तेरे लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अरे रे, तुम्हारे परिवार को कुछ ना कुछ ढूंढने की बीमारी है। आप ढूंढते रहिए, मुझे तो नहीं लगता कि वो इस जन्म में मुझे मिलेगा। क्या कहा तूने? डैडी मुझे स्टेशन में ड्रॉप कीजिए, मुझे मद्रास जाना है। दो दिन के बाद जाएंगे बेटी, कल कॉलेज की रीओपनिंग है। डैडी चलिए, बाय अंकल, बाय आंटी। 25 तारीख को यहाँ से जाने वाली सारी फ्लाइट्स में मेरे नाम पे टिकट बुक करके रखो, इसे राजी रखना। सुनिए, हम लोग 24 घंटे अपने बेटे के बारे में सोचते रहते हैं, हमारा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। जहाँ आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पे है तो मैं खुश रहूंगा माँ। मैं पूजा कर रहा हूँ ना। ये जेल है या फिर कोई मंदिर? इसे मंदिर कहो या फिर जेल। ठीक है ठीक है, मंदिर से बाहर आओ। छे, जेल से बाहर आओ तुम। आज तुम रिहा हो रहे हो। दूसरों के गुनाह को पैसे के लिए कबूल करके अक्सर यहाँ आते हो, इसलिए तुम इस सेंट्रल जेल के लाडले बन गए हो। वैसे तुम्हारी मदद की हम सब लोगों को बहुत जरूरत है, इसीलिए हम सब लोग कुछ बोल नहीं पाते। 10 बार दीवार पिक्चर देखने के बाद उसमें बिग बी का बिल्ला है ना 786, वही 786 नंबर के लिए जीत कर रहा था। तुम काफी खुराफाती हो गए हो मोती। हाँ मोती, दिस इज टू मच, चाबी मुझे दो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अपन यू गया और यू आया। वैसे ये कमरा भी अपन के लिए लकी है, अंदर बहुत सारी चीजें छुपा के रखी है अपने, किसी ने उठा लिया तो क्या करेगा अपन। सलाम भाई, बाहर के चोर को अंदर कह सकते हैं, अंदर के चोर का कहाँ डालोगे। अरे साहब, अपन आपको नहीं बोल रहा है। शिवराज भाई कहना भूल गया, अपन का कपड़ा लॉन्ड्री में है, उसे लेके रख लेना, अपन आगे ले लेगा। मोती, तुमने इस जेल को लॉज बना दिया। मोती, तुम बाहर जा रहे हो? हाँ बोलिए चाचा। जो दर्द मैं यहाँ झेल रहा हूँ, अगर मेरे बच्चों ने मुझे देख लिया तो वो रो पड़ेंगे। उनको पता है बच्चों से कुछ कहना है क्या? हाँ मोती, बाहर जाने के बाद मेरे बच्चों से मिला तो उनसे कहना कि गलती से उनसे कोई जुर्म हो भी गया तो इस जेल में कभी मत आना। नासिक जेल, पुणे जेल, बायखला जेल और तिहाड़ जेल भी अच्छा है बेटा, कहना इस जेल में मत आना। यहाँ तो मच्छर है, खटमल है, वो बेचारे सह नहीं पाएंगे बेटा। सच कहूँ तो उन्हें तो एसी रूम में सोने की आदत है। सेंटीमेंट से अपन को लो बना रहा, तू थोपड़ा बदल दूंगा तेरी जात का। फिर मिलेंगे भाई। आइंदे अंदर आने के बाद मत करना। तो फूल दे रहा है, अब उनके अंदर आने से तुम लोगों की कमाई है। अकल से पैदल है साला। यार मोदी, फिर कब आओगे? वहाँ बाहर अपन का दोस्त है। मैं फैसला करूंगा, अब मोदी किस केस के सिलसिले में जेल जाएगा, इसका फैसला मैं अभी कर देता हूँ। क्योंकि मोती से संबंधित जितने भी केस हैं, ये जेपी, ये जेल ब्रोकर ही हैंडल करता है। तुम्हारा केस क्या है? साहब, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगर मोती ने इस केस को अपने सर पर ले लिया, निकाह हो जाएगा बेटा। निकाह की पूरी गारंटी है, केस की पूरी डिटेल हमें चाहिए। शादी से पहले लड़की को भेंट किया हुआ तोहफा चुरा लिया। नाम क्या है? अहमद खान। बाप का नाम? अमजद खान। क्या चोरी किया? वीडियो कौन? क्यों बे, तुम लोग मुझे उल्लू बनाने के लिए खान की दुकान लेके आए हो? मोदी, मोदी बोलना नहीं देगा, काहे पीछे पड़ा। चलो यहाँ से दफा हो जाओ, चलते बनो। मोदी मोदी, अगर मैं बंदूक के साथ नहीं गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसका इस्तेमाल किया कभी? देख भाई, जब अपन अंदर था तो तू इसे पकड़ के सोता था, अब 2 दिन के लिए तू बाहर रह, वो भी गन हाथ में पकड़ के, नहीं तो अपन इसे दे देगा। तू ही फैसला कर ले। तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं है, तुम एक पल भी यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें जेल जाना होगा, उसके लिए केस मिल गया है। केस? जरा केस बता। हाय पामो, कंट्रोल। तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन स्किन का धंधा थोड़ा मंदा है, और ऐसी हालत में पुलिस मेरे पति को ढूंढ रही है। किसे? कन्हैयालाल को? अरे उसे गए हुए 4 महीने हो गए, अब उसके बेटे को ही रखा हुआ है। ठीक है, अपन अंदर जाता है। बेटा, अगर ये केस तुमने अपने सर पे ले लिया तो मेरे बेटे का भविष्य बन जाएगा, वो कलेक्टर बनना चाहता है और हमारी भी यही ख्वाहिश है। कल शाम जब कॉलेज के लफंगे लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे, तब ये भी उनके साथ ही खड़ा था और इल्जाम इसके सर आ गया। अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि ये गुनहगार है तो ये कलेक्टर बनने के बजाय सलाखों के पीछे आ जाएगा बेटा, इसलिए मेरे बेटे का गुनाह तू अपने सर पे ले ले बेटा। ये तो लॉन्डिये का मामला है और केस में दम भी है। केस को रफा दफा करने के लिए कैश चाहिए है क्या? हाँ हाँ, कितना चाहिए बोलिए। यही फाइनेंस मिनिस्टर है। हार्ड कैश? हार्ड कैश से हाथ जल जाएगा, इसलिए सूटकेस में रख दीजिए। ये समझ लीजिए कि आपका बेटा रिहा। ओके मोती, ये तुम्हारा 50वां केस है, पता है तुम्हें? ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। अपन ने कहना रहा है की मदद की अंदर जाके, और 2 महीने की सजा हुई। सजा कम कर सकते हैं जज, अपन का आदमी मैक्सिमम 4 और उसके बाद ईव टीजिंग के केस में 3 महीने की सजा हुई। 30 दिन की सजा। ये गलत है,
ये जो केस है बहुत ही सीरियस है, कम से कम एक साल। उस लड़की की हालत इतनी गंभीर है कि 4 साल की सजा होगी। क्या बोल रहे हैं? सच में मुझे नहीं मालूम था। नहीं मालूम लड़की की हालत कितनी बुरी है देखो। हाँ उसे दबोच लिया, उसका नाम है मोती। यार केस इतना सीरियस है तूने बोला इसने? देखो पांडू, कोई भी पूछे तो यही कहना है कि मोती की वजह से इस लड़की का ये हाल हुआ है। ये लड़की बोल नहीं सकती मैडम, जब जब साहब पूछेंगे तो उनसे ये कहना कि इसके पीछे उस कमीने मोती का ही हाथ है, वो रहा मोती। बड़ा भाई छोटा भाई समझ के राखी बांधने वाली मेरी बेटी का ये हाल कर दिया तुमने। पापी भगवान तेरी हालत इससे भी बदतर करे। मेरी बेटी ने तुम्हें भाई माना और तुमने उसकी ये हालत की। तूने मेरी बेटी का भविष्य खत्म कर दिया। कसम से ये सब मैंने नहीं किया। तू झूठ बोल रहा है। अपन ने ये काम नहीं किया। छोड़ मुझे। अपन कसम खाता अपन ने ये काम नहीं किया। ओए इधर आ। बोला बोला अपन का हदीस में नहीं है साहब। बोलिए ना अपन ने पैसों के लिए जुल्म कबूल किया। लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। इसकी तरफ देखिए आखिर आपका मन कैसे हुआ। और कितने दिन ये फ्लीजिंग और रैगिंग के नाम पर लड़कियों की जान लेते रहेंगे। एक राखी के पवित्र रिश्ते को तुमने बदनाम कर दिया। 12 बजे कोर्ट में रहना। अपन उससे मिल के आता है। 12 बजे कोर्ट में रहना। इस तरह के कई नोट अगर हाथ में होते तो सारी दुनिया को हम अपने अधीन में कर लेते। गलती तुम्हारी है लेकिन पैसों के लिए किसी और ने जुर्म कबूल लिया। अगर मुझे इस बात की खबर होती तो मैं उसका रेप कर देता। क्यों? अबे काय को फील कर रहा है? तेरी तो कई गर्लफ्रेंड्स है, किसी को भी पटा ले। अरे इस कॉम्प्लेक्स में कई लड़कियां हैं, किसी को भी फास लेंगे। अरे ये कोर्ट जाने के बजाय यहाँ कैसे आ गया? सर सच्चाई क्या है हमें अभी पता चली। मुझे मालूम था आप ऐसे ही बोलेंगी। अरे सर ये सर खींच के अरे मां सुनिए। अरे सर हमारे एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं उन सबको पकड़ कर ले आया हूँ। सबको पकड़ कर लॉकअप में डाल दिया। करो
वेरी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट और कौन है? सारी मुन्ना यहाँ नहीं आ रहा था, इसको जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं। अरे साहब भूल गए क्या, आज सुबह ही तो आपने मुझे लॉकअप से रिहा किया था, फिर से पकड़ के अंदर रखने का मतलब क्या है? जिस रात कोई लड़की असली गहने पहनकर एकदम अकेली बिना किसी परेशानी के घर वापस पहुंचेगी, तभी हमारे देश को सही मायने में आजादी मिली, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। उस महात्मा ने क्या कह दिया, ये खुराफाती लड़की इतनी रात गए गहनों से शरीर को ढक के आजादी से घूम रही है। उसके माँ बाप से बोल दिया होता, वो हमारे शहर की लड़की नहीं है, बाहर गाँव के हॉस्टल में रखे पढ़ रही है। इतनी पुलिस जब मेरी सुरक्षा के लिए पीछे पड़ गई है, अगर इंडिया की लड़कियां मेरी तरह निकल पड़ी तो पुलिस कम पड़ जाएगी, ऐसा सवाल कर रही है, इसलिए उनकी हिफाजत के लिए गुंडों को अंदर कर दिया। ए, क्या छुपा रही है, चल निकाल, सबने दिया ना। प्रीति दिस इज टू मच, चाहे तो अपनी गहने पहन ले, गांधी जी ने जो कहा था वो आज तुम देखने वाली हो। सड़क पर कोई नहीं है, रुकिए, इतनी रात गई एक अकेली लड़की इतने सारे गहने पहनकर जा रही है, आप छीना नहीं चाहते? जब कोई लड़की अकेली रात में इतने सारे गहने पहनकर अकेली आएगी तो वो नकली ही होगी, ये कवरिंग है ना? नहीं, ये असली सोना है 24 कैरेट वाला। अरे तुमने असली गहने नहीं देखे ना, ये देखो, स्वतंत्रता दिवस की खुशी में हमने एक सेठ को लूट लिया है, चलते हैं मैडम, बाय बाय। गाड़ी स्टार्ट। मुझे लगता है पुलिस वाले को उस लड़की से कोई ताल्लुक है, आप फॉलो करते हैं। बात सुन, आधी रात को इतनी खूबसूरत लड़की अकेली जा रही है, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? हाय हाय, तू साजिदाज कर गहने पहन कर निकली है, तुझे ही कोई नहीं मिला तो मुझे बताना चाहती है, चल ना। ओए, उसे क्या बोल रही थी? बढ़ाया, मैं जो मांगूंगी दोगे क्या? देता हूँ ना, आज 15 अगस्त है, टॉफी देता हूँ। मौका जाएगा, खराब हो जाएगा, अब बिगड़ने के लिए बचा क्या है? वो सब छोड़, लड़की चली जाएगी। गांधी जी, आपने जो सपना देखा था ना, वो एक हद तक पूरा हो गया, मेरे ख्याल से बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। जय हिंद। अन्ना जी को या गांधी जी को? गहनों को तुम उड़ाना चाहते हो? इधर आ। देखो मैडम, तुम जैसा सोच रही हो वैसा मैं नहीं हूँ। तुम्हारे हेयर कटिंग से पता चलता है कि तुम चेन कटिंग वाले हो। अरे ये तो मेरा धंधा है। धंधा है? इसे धंधा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? अबे क्या निकल रहे हो, उस तरह है क्या? हेलो, मैं रंगीला बोल रहा हूँ, मैं आफत में फंस गया हूँ, सारी मंडली आओ। ओ, तुम्हारी चोरों की मंडली इतनी फैल चुकी है, ग्रुप बना के नुक्कड़ नुक्कड़ जाके चोरी करते हो। ये लड़की तो तुम्हारी जन्म कुंडली बता रही है। तूने किस पर हाथ उठाया पता है? ऐसा रंगीला पर। पल भर में सारी पुलिस यहाँ आने वाली है। यू आर पुलिस सर? पुलिस वाले हाथ उठाए थे, ये कैसी आजादी है? गांधी जी क्रोधित हो जाएंगे। देखो मैडम, किसी पे भी हाथ उठाओ पुलिस चुप रहेगी, पुलिस पे हाथ उठाएगी तो पुलिस चुप रहेगी क्या? पुलिस अंकल, आप अपने ग्रुप को रोक दीजिए ना प्लीज। देखिए मैडम, ये कोई मामूली केस नहीं है, इस केस से बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। वो क्या? देखिए मैडम, आपने इसे मारा है, आपने इसे गाली दी है, लेकिन आपके बदले इसे सजा होगी। क्या मेरे बदले इसे सजा होगी? होगी होगी, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं दे दूंगी। समझ गई ना? हाँ, कैश मुझे दे दीजिए, केस ये देख लीजिए। हाँ। एक काम कीजिए, एडवांस के रूप में चेन मुझे दे दीजिए। रहने दे यार। ए, 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 मामा शेयर लेने गया। किसने पुलिस पर हाथ उठाया? अपन ने। तेरी ये मजाल पुलिस पर हाथ उठाया, चल थाने। आपके बेटे की कुंडली में शनि का असर है, इसलिए दूसरों का इल्जाम भी उसके माथे पर लगेगा। चिंता करने की बात नहीं है, शनि दसवें स्थान में आते ही सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाएंगी, आप विश्वास रखें। बेटे को खाने पीने की कमी नहीं है? हाँ, लड़के का ऐसा राजयोग है कि घंटी बजते ही खाना मिलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त मेरा बेटा कहाँ होगा? अभी देख कर बताता हूँ। सुनो, हाँ, पान में काली क्यों पोंछ रहे हो? तुम सर काला करते हो और मैं पान काला करता हूँ, वो झूठ है, ये सच है। रैमिंग हो रही है, काली पोतने के बाद क्या करोगे? खोया हुआ बच्चा किस दिशा में है यही पता लगा रहा हूँ। क्यों, ये वर्ल्ड मैप है क्या? ठीक है मिस्टर अवस्थी, इस घर के अंदर आप खुद कौन सी दिशा में बैठे हैं बताइए। हैं, ये पूर्वार्ध है? नहीं 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 नहीं, ये तो उत्तरार्ध है। सुनो, इसके लिए इतना लंबा सोचने की क्या जरूरत है, खुद कौन सी दिशा में बैठा इसका ज्ञात नहीं, और मेरा दामाद कौन सी दिशा में ये बताएगा? चुप रहिए ना। अरे तुम चुप रहो ना, आजकल ऐसे पाखंडी लोग चूना लगाने के लिए निकले, ऐसा मैंने टीवी में देखा था, भलाई चाहते हो तो भाग जाओ, नहीं तो ऐसा चूना लगाऊंगा कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। चल फट, आखिर कब तक ऐसे पंडितों पर विश्वास करती रहोगी? इनकी तसल्ली भरी बातें सुनकर ही मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ। अटेंशन,
इस बार मैं जेल से फरार हुआ तो स्टेट क्या मुझे कोई भी स्टेट नहीं पकड़ पाएगा। ये जेल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है और हम यहाँ से आसान से बच के निकल सकते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हम जेल की वर्दी को उतार के वहाँ छुपा के रखी हुई अपनी सिविल ड्रेस में आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखना, हिंदुस्तान की पुलिस हमें कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। मान गया उस्ताद। क्यों भाई, पतली गली से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हो? अरे भाई, 6 महीने की तो बात है, स्केच को फॉलो करोगे तो यहाँ से निकलने में 3 साल लग जाएंगे। 30 दिन में जेल से कैसे फरार होना है उस पर एक किताब लिखी है मोहन नायर ने, उसे पढ़ लेते तो आराम से जेल से फरार हो सकते हैं। क्या 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 पूछा? जेल की वास्तुकला से अपन वाकिफ है। अरे कहाँ खोदने से कहाँ निकलेंगे ये अपन चाचा कोई नहीं जानता। क्यों बेड़ो कलेजा क्यों भूख रहे हो? यहाँ से बच के जाने का रास्ता अपन बताएगा। सोच लो, ये जेल है, यहाँ खोदना शुरू करोगे तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। एक एक करके उतरो। मिलन संभल के, ध्यान रखो। अबे वहाँ क्या दिख रहा है भाई? तुमने जरूर दिखा, उसका बहुत शुक्रिया। आगे आगे देखिए क्या होता है। काफी अच्छा लड़का है तू। अरे अपुन कहना ही भूल गया, अपुन यहाँ खड़े होकर लेफ्ट राइट बोलेगा, तू इसी आवाज को फॉलो करके आगे बढ़ते जाना। राइट, ए हट, मेरे पीछे आओ। लेफ्ट, पीछे हट। राइट, लेफ्ट। अबे जाना। उस्ताद, पहले तो मोती की आवाज सुनाई दे रही थी, अब तो काफी लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। उसकी आवाज की गूंज हमें सुनाई दे रही है। क्या है ये बेल्ट है सर? उसके ऊपर ये पेट है सर। ये क्या, ये पेट है या फिर पानी की टंकी? अगर पिस्तौल नीचे गिर गई तो फिर कैसे उठाओगे तुम? पुलिस वाला कम सेठ ज्यादा लगते हो, पहले पेट को कम करो। ठीक से खड़े रह। इसने तो कमिश्नर ऑफिस का रूट दिखा के हमें फंसा दिया। अब उसका होश ठिकाने आ गया होगा। अभी आके तेरी खबर लेता हूँ कमीने। ए, कौन है तू, कहाँ से आ रहा है? ओए, पार्लियामेंट से थोड़ा आ रहा हूँ, सीधा जेल से आ रहा हूँ। दोनों को गाड़ी में बिठा। सुनो, तुम्हारी गाड़ी से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, ऐसे जाएंगे तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। क्यों बे? हाँ उस्ताद, डीजल की भी बचत होगी, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं। अपनी औकात दिखा देना तूने। चुप्पे, हाथ हटा। ए, बंद करना नहीं तो तू ही गिर जाएगा। सर सर सर, जैसे आपने कहा यहाँ पे गड्ढा है सर, सर उसमें से कोई बाहर आ रहा है सर, एक चोर आ गया साहब, हमने चोर को पकड़ लिया साहब। एक? हाँ साहब, उसके साथ एक टकला भी पकड़ा गया साहब। सारी घटनाओं का विवरण देने के लिए एक पीसी भी ऊपर आ रहा है। ओके। ज्यादा हिलना नहीं, तुम्हारे जैसा बंदा अभी यहाँ से फरार हो गया था। तूने मेरे साथ खेला ना, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। एक कान के पास ये क्या आवाज आ रही है, बंद कर इसको। ओवर, तू कुछ ओवर बोल रहा है। चल। हाँ हाँ, बिरयानी ना, अगले टाइम लेकर आ जाऊंगा। कौन सा ऑटो, बोलो कौन सा ऑटो? खामखा बात को क्यों बढ़ा? हम लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते, इसलिए ये लोग इस तरह लिखते हैं। आज ऐसा लिखने वाला, कल क्या क्या लिखने वाला है, इसके बारे में सोचा है तुमने? कौन सा ऑटो? हाँ वो ऑटो इसी स्टैंड का था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है। उसको सबक सिखाए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ए, उस ऑटो का नंबर क्या है? TMB 143। देखा मोती, तुम्हारे साथ ऑटो में बैठने पर ऑटो भी सलाखों से घिरा जेल लगता है। अरे वो छोड़ यार, सुबह से अपन भी घूम रहे हैं, एक केस भी हाथ नहीं लग रहा है। हाँ? केस लड़की के पीछे लगे हैं। जरा केस करें तो बताइए साहब। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कब अंदर गया और कब बाहर आया। तब तो बहुत ही पुराना केस होगा। कम से कम 15 दिन के लिए मिल गया तो चलेगा भाई। 15 दिन? इतने दिन पुराने केस के साथ क्या करेगा? हाँ, गिनते रहेंगे। आप गिनो या बिनो, मेरी पहचान के एक मस्त पोटी है साहब, आ जाओ मिला देता हूँ। रेट आप ही फिक्स कर दीजिए। अरे रे, ये तो केस का रुख कहीं और मोड़ रहा है। अपन पेटी केस के बारे में बोल रहा है और तू पोटी केस के बारे में। ए, जल्दी आ, जल्दी आ। ए, ऑटो रुक। ए, स्टॉप, स्टॉप। मैडम कहाँ जाना है? हाँ, अस्पताल जाना है या कब्रिस्तान, अभी बताती हूँ। अंदर रख, अंदर रख। उसके मीटर को ऑफ कर दे। सुबह से हम दोनों केस के लिए परेशान थे ना, मस्त केस मिला है। यहाँ क्या लिखा है पढ़ो। हैं, तमिलनाडु आई हो ना, खुद ही पढ़ लो, नीचे नाम भी लिखा है उसे भी पढ़। तेरी जात का है, कह रही है ना पढ़ना। ए, जोर से पढ़ बे, इस मैडम का एक साइड का आउट है, मतलब कान का मीटर आउट है। नागिन का भरोसा करो, मगर हस्ती लड़की का भरोसा ना करो। लड़की पर भरोसा नहीं है तुम्हें, लेकिन नागिन पर है। हाँ बेशक। क्यों बे? ये मुंह और मसूर की दाल किस लड़की ने देखा और किसने तुम्हें धोखा दिया? तेरा नाम क्या है? नागराज। ओ, तुम्हारा नाम नागराज है, इसलिए नागिन पर भरोसा करते हो।
तुम्हें नागिन पर कितना भरोसा है अब मैं देखती हूँ। ये ले पकड़। अब उठाते या किसने कर रहे हो? मुझे किसी बदतमीजी है। अबे ओए, नकली सांप से तू डर रहा है और अपना नाम तो बताता नागराज मारिया मैडम। इतनी खूबसूरत लड़की की मुस्कान की वजह से आज के नौजवानों की धड़कनें चलती हैं। एक्सक्यूज मी, स्माइल प्लीज। देखा अबे घनचक्कर, इनकी मुस्कान की तो कितना गलत मतलब निकाल रहा है। अगर ये मुस्कुराना बंद कर दे तो धरती घूमना बंद कर देगी। बोल के खड़ी है, बंद करने बोल। ओके, प्लीज शट योर माउथ। अबे ओए, तेरी पिटाई अगर मैं करूँ तो मेरी बदनामी होगी, औरतें मारेगी तो खुश ठिकाने आएगी। ओके मैडम स्टार्ट। कुछ मत कर, ये उनका एरिया है, कुछ ऊंच नीच होगी तो समस्या हो जाएगी। समस्या हो गई तो मेरे बदले अंदर जाने के लिए मेरा आदमी है ना। क्या सुना मैंने? यही तुम मेरे अपने हो? मतलब मैं जान सकता हूँ? यही कि मेरी खातिर तुम कुछ भी करोगे। सुनो मैडम, थोड़ा अपन को सोचने दो प्लीज। तूने अपन को अपना समझा है, इसलिए तुझे कुछ देना ही पड़ेगा। लीजिए ये पकड़िए, दूसरों के लिए अपन अंदर गया है, तूने अपन को अपना बोला है। हा? तेरे लिए अपन किसी की भी जान ले सकता है। तो खून कर सकती हूँ क्या? क्या हजारों खून करो? अरे मेरी अम्मा, माफी चाहता हूँ। मैंने जो लिखा उसको मिटाने के लिए बोल रही हूँ ना, वो देखिए। अरे ये क्या है यार, हमें तो लगा ये बहुत बड़ा केस है, लेकिन ये तो हमारे दिल पे ठेस है। स्टॉप कर यार, काफी डीप चली गई है वो। क्या ठेस बहुत डीप है? यही कि तुम मेरे आदमी हो। मेरा अपना कहा, तुम मेरे अपने हो कहा। भगवान के नाम पे कुछ दीजिए भगवान। तुम मेरे अपने हो कहा। अगर तूने नहीं भी कहा तो अपुन हमेशा तेरा ही है। हमारे हैं? अरे बेटू आ, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अरे लक्ष्मी, इसे भी एक कटोरी दो ना। लो बेटे। ए चल हवा ने दे। अरे वाह, आ रही है। फूलों से स्वागत करके आई लव यू बोलना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो यार? तुम्हें और फूल चाहिए क्या? एक टोकरी और फूल। अबे लाश के फूलों से अपन के गर्लफ्रेंड का स्वागत कर रहा है। आप और धूप में? नहीं नहीं, छतरी के साथ साथ आइए प्लीज। इसे मेरा आदमी कह के गलत कहा। क्या टाइम क्या हुआ है? लगता है कोई अश्लील किताब है। यूज काउंटर। हिट हिम, हिट हिम, कम ऑन, तेरे लिए अपन अंदर जाएगा। वो क्या मारेगी? वो आपकी है। ओके दादा। मोती, मोती। वो बाहर गया है। यार तुम मोती, जान लिया। बढ़िया केस है, अहमदाबाद के सेठ जी हैं, दौलत के नशे में कुछ कर दिया। अगर तुम इल्जाम को सर पे ले लिया तो पैसा ही पैसा है। देखो साहब, आइंदा अपन के पीछे मत पड़ना। अपन का दिल एक लड़की ने हिला के रख दिया, अपन इसे हिलाने के लिए जा रहा है। बोला ना, डोंट डिस्टर्ब मी। ये क्या, मैं इसकी जिंदगी को रोशन करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि अंधेरे की तरफ भागे चले जा रहा है। जिंदगी को रोशन करेगा? हाँ। तेरे भरोसे दुनिया में आया। तू अपनी जिंदगी रोशन करने की सोच। इस हाथ को पकड़ने के लिए मैं कितने दिनों से तरस रहा था पता है? छोड़ना। हाथ छोड़। हे प्रीति। अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने और भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी ने हाथ मिलाया।
ए, टीवी बंद कर। देशों की समस्याओं के बारे टीवी बंद तो रेडियो चालू। शिट! ये स्टार्ट नहीं हो रहा। बकवास गाड़ी है। ओ हाय मिस्टर नागराज, आपने तो मेरे दांत उखाड़ दिए ना, पीछे देखिए। नारी जगत की देवी है, मान गई, बहुत जल्दी बदल गए। गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और मुझे बेसंत नगर तक जाना है। मुमकिन नहीं, अपन किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाएगा। जेल नहीं जाएगा? अरे आखिर हुआ क्या है तुझे? देख भाई, बचपन से लेकर आज तक अपन केवल दूसरों की खुशियों के लिए ही जी रहा था जेपी भाई, इसलिए दूसरों की गलतियों के लिए अपन जेल गया। लेकिन आज के बाद अपन जिएगा तो केवल प्रीति के प्यार के लिए जिएगा। डोंट डिस्टर्ब मी। ए, सोच ले, तू बाद में बहुत पछताएगा। नहीं, अपन तो सही जा रहा है। सही रास्ते जा रहे हो? हेलो, हमें राइट नहीं लेफ्ट में जाना होगा। तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ मैं लेफ्ट जाने के लिए। आज तेरी पूजा करने जा रहा हूँ, इसलिए राइट जाऊंगा। क्या मतलब? नहीं समझी? आज ये नागराज तेरी मस्त मस्त जवानी से खेलने वाला है, आप के साथ तेरी दाल नहीं गलने वाली। दाल बिल्कुल नहीं गलेगी। मतलब तू आज से हमारे लिए कभी जेल नहीं जाएगा? देख मोती, तुम्हारे भरोसे मैंने पुलिस वालों से पैसे ले रखे हैं। बात सुन, तुम्हारे लिए ये आखिरी केस होगा। देख जेपी, अपन की भी बात सुन ले, केस के सिलसिले में यही आखिरी मुलाकात होगी। मोती, मेरी बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही है। अरे यार, ला, तेरी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचने वाली। आई बात समझ में? नागराज से खेलती है, नागराज से। देख, अपन के सभी यार आने वाले हैं, आज तुझे अपनी नाक दिखाता हूँ। मैडम, तेरी भी किस्मत बहुत अच्छी है, एक नहीं कई सारे नाक तेरे चक्कर लगा रहे हैं। इंडिया में हो तो बी इंडियन बाय इंडियन। मतलब इंडिया में हो तो इंडिया की चीजें ही खरीदो। नीचे कुछ और लिखा है भाई। अरे मैडम, ये क्या, ऊपर इंडिया नीचे अमेरिका, मैं आपको उल्टा कर दिया आपने। यही देशभक्ति है? ये बहुत बुरा है। उतारो उतारो कपड़े, जल्दी उतारो। प्लीज देखिए, छोड़ दीजिए मुझे। सुन सुन मेरी बात सुन। चल हटना। अबे जा, अबे कुछ भी कर ले, अपन तुझे कपड़े की तरह फाड़ के रख देगा। अरे जल्दी, अपन का मूड आ गया। कौन छेड़ रहा है? तुम जैसे ऑटो वालों की वजह से ही अच्छे ऑटो वालों के नाम भी बदनाम हो रहे हैं। छोड़ो, गाना छूना मत। God, what
दर्द हो रहा होगा ना? I love you बोलो तो दर्द कम हो जाएगा। नहीं, वक्त आने पर जरूर कहोगे। मैं तुम्हें तहे दिल से चाहती हूँ, इसलिए दिल को काबू में रखो। अरे अरे समझ के मेरी जान, तुम मर्द बनने की कोशिश मत करो। तुम कुछ मत बोलो बेटी, अगर तुम्हें यहाँ इसी तरह छोड़ दिया तो तुम्हारे केस को डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनवाना पड़ेगा। पहले से यहाँ बहुत सारे स्पेशल कोर्ट्स है, गाड़ी में बैठ। मुमकिन नहीं पापा। हॉस्टल वार्डन ने कहा कि मेहरबानी करके आपकी बेटी को यहाँ से ले जाइए, वरना हॉस्टल की बदनामी हो जाएगी। तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा। मैं बिल्कुल बदल गई हूँ पापा, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। सारे ऑटो वाले भी तुम्हारे खिलाफ स्टैंड में उतरने वाले हैं। इसी तरह गाड़ी में बैठो, अगर तुम्हें और यहाँ रखा तो मेरी भी बदनामी हो जाएगी। जल्दी से गाड़ी में बैठो, कहाँ ना बैठने के लिए। हाय मोती बोल रहा हूँ, प्रीति है वहाँ पर। किस बारे में बात करनी है? हाँ, बात दरअसल उसे तोहफा देना है। प्रीति है क्या, उसे बात करनी है? अब वो यहाँ नहीं रहती है। कहाँ कहाँ गई मालूम है आपको? वो सब मुझे मालूम नहीं, आज के बाद फोन मत करना यहाँ। सर सारे टिकट कंफर्म हो गए, इसमें से एक ही यूज कर पाएंगे। सिनेमा टिकट होता तो ब्लैक कर सकते थे। सॉरी सर। कहाँ और किसने जा रहा हूँ किसी को खबर नहीं होती। ठीक है सर। क्यों जी? टिकट कंफर्म हो गई ना? टिकट तो मिल गई मगर एक ही मिली है। एक बात सुनिए, पहुँचते ही सिर्फ बिजनेस में मत लग जाना, साथ साथ अपनी बेटी को भी ढूंढना। ये भी कोई कहने की बात है। ठीक है मैं चलता हूँ। रामनाथ किसी और के नाम पे टिकट बुक करके हमें धोखा दे रहा है। सर रामनाथ, इस बार तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल है। आर यू मिस्टर शंकरलाल? ओ सॉरी, एक्सक्यूज मी सर, आर यू मिस्टर शंकरलाल रेडी टू टेक ऑफ? ओह आई एम सॉरी। अरे रामनाथ कहाँ गया? प्लीज कम फास्ट सर। वो स्टेट सर। किस फ्लाइट से जा रहे हैं आप? बिना टिकट के एंटर नहीं कर पाएंगे। हटो हटो हटो। शिट, इस बार भी बच निकला साला। आपके बेटे ने इतनी छोटी उम्र में सात समंदर पार करके अपने देश का सम्मान को बढ़ाया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डैडी डैडी, ये सब मेरे डैडी का दिया एनकरेजमेंट का नतीजा है। अर्जुन ठाकुर की आंखों में धूल झोंककर जब भी बेटे से मिलने आता हूं तो मेरी उम्र घटती जा रही है और मेरा बीपी बढ़ रहा है। वो शैतान है, तुम्हारे बेटे की देखभाल मुझसे नहीं होगी। ऐसा मत बोलो गोपाल, मैं 18 साल पहले सिंसियर कलेक्टर हुआ करता था। चंदन तस्कर वीरभद्र के भाई वीर प्रताप को अरेस्ट किया था। वीरभद्र को भी अरेस्ट करने का प्लान बनाया। अच्छी तरह से जान लेगा वो कलेक्टर। hey, इस लड़के का तड़पता वो फोटो निकालो। एक फोटो उस कलेक्टर को भेजो, एक उसके बाप को भेजो। Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. स्विमिंग में चैंपियन वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाला मेरा बेटा आज तुम्हारी लापरवाही से मौत से जूझ रहा है। जंगल में रहकर वो डाकू क्या क्या मांगेगा उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, और इसी वक्त उसकी सारी डिमांड को तुम पूरी करोगे और उसकी सारी डिमांड मेरे लिए थू। आई वॉन्ट माई सन। तुम्हारे बेटे को उसके चंगुल से बचाना मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। प्लीज कूल डाउन। सर प्लीज। डैडी। संतोष तुम यहाँ कैसे, इसको क्यों लाए हो? मैं कहता हूँ अभी तुम जाओ, जाओ इसे ले जाओ, जाओ जल्दी ले जाओ, जाओ। डैडी। सर सीएम सेक्रेटरी ऑन द लाइन। सर कलेक्टर ये क्या कर रही हो? असेंबली में विपक्षी दल हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, जल्दी से कुछ करो। सर 24 घंटों में उसे पकड़ लूंगा। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर धूप और बारिश की फिक्र किए बिना हजारों पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए तैयार हैं। हमें रोकिए मत। आज एक बच्चे की खातिर उसे छोड़ने को कहेंगे, कल पकड़ने को कहेंगे। अगर इसमें रुकावट ना डाले तो इस ऑपरेशन को सक्सेस करके दिखाऊंगा। आई बात समझ में? अगर मैं फेल हुआ तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा।
प्लीज। ओके, तुम्हें जो ठीक लगे करो। थैंक यू सर। एस्पो, एक्सक्यूज मी, कम हियर प्लीज। ये लेटर सीएम ने तुम्हें दिया है। मैंने सीएम को ही ना कह दिया है, तुम ऊपर से लेटर लेके आए हो। लेटर लो, ये रख लो। बस एक ही बलि चढ़ाई वही काफी है। तुम लोगों के लिए ही मेरी आखिरी ऑर्डर है। मैं हार गया, अब किसी की जान नहीं जाएगी। क्या बोला, क्या बोला? और कोई नहीं मरेगा तो मेरा बेटा। नो, जब उस कमीने ने कहा कि इसका अगला शिकार तेरा बेटा है तो तेरी फट गई ना। जब मैं अपने बेटे के लिए रो रहा था तो ड्यूटी ड्यूटी ककराज मेरे बेटे को ऊपर पहुंचा दिया ना। लुक मिस्टर, वो तेरे बेटे को मारे या ना मारे, लेकिन आप तेरे बेटे को जरूर मारेगा। I will kill him. जो दर्द अपन भुगत रहा है वो तू भी भुगतेगा। भुगतना होगा बहुत जल्द। Count your days. अर्जुन ठाकुर का बेटा गुजर गया, उसके बदले में वो मेरे बेटे की जान लेने आया। तब मेरा बेटा गुम हो गया, ऐसी अफवाह फैला के मेरी पत्नी को विश्वास दिला के बेटे को तुम्हें सौंप दिया। क्यों पता है? सोचा एक न एक दिन अर्जुन ठाकुर का मन बदलेगा और वो इंसान बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं बदलेगा। वो हर दिन अपने बेटे का मरण दिन समझकर मेरे बेटे से बदला लेने की सोच रहा है। प्लीज, वो आम आदमी होता तो मैं चुप कर दिया होता, लेकिन वो शैतान बन चुका है। अब उसे भगवान भी नहीं बदल सकता। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए ना सही, मेरी पत्नी के लिए तुम्हें ये मदद करनी होगी। गोपाल, मेरी बात सुनो। तुम अपने बेटे को अर्जुन ठाकुर के बारे में सब कुछ बता के उसे यहाँ से लेके चले जाओ। अगर उसे लेके गया तो अर्जुन ठाकुर को बता देगा कि उसका दुश्मन मैं ही हूँ। उसको ले जाने का सही वक्त ये नहीं है। गोपाल, गोपाल। संतोष, फादर आए हैं। आज संडे है ना, फादर को बोलना कि चर्च में जाके बैठे। वो फादर नहीं, तुम्हारे फादर। ओह डैड, माय डैड। डैड, और कितने दिन तक मुझे यहाँ रखने का इरादा है? आप और मम्मी वहाँ और मैं यहाँ। ये बताइए, माँ आपके साथ है या फिर माँ को भी अलग कर दिया आपने? है ऐसा मत बोलो बेटा, किस्मत ने हमें अलग कर दिया। हाँ बेटा, किस्मत को हम बदल नहीं सकते। What? किस्मत को हम बदल नहीं सकते। अभी अभी देखता हूँ। अरे आप कहते आ रहे हैं ना कि इस दुनिया में किस्मत और शैतान का ही राज है। मैं बदल के दिखाता हूँ। संतोष, आज आपके सामने किस्मत को बदल के दिखाऊंगा। आज आप दोनों को दिखाना चाहूंगा, इसमें सिर्फ एक ही बुलेट है। जस्ट वन बुलेट डैड, जस्ट वन। संतोष बेटा नहीं, अगर इस दुनिया में शैतान का ही राज है तो मुझे जिंदा रहने का तुम्हारे पाँव कोई हक नहीं है। डैड, मुझे मरने दो। शैतान हार गया, इस दुनिया में शैतान का राज नहीं है। संतोष नहीं बेटे। गोपाल जी आपने कहा था ना रामनाथ कि हम किस्मत को बदल नहीं सकते हैं। मैं अभी बदल के दिखाता हूँ, ये फादर जिंदा नहीं रहेगा। नहीं, किस्मत में साथ नहीं दिया। अब तुम क्या बोलते हो मिस्टर रामनाथ? संतोष नहीं बेटा, रामनाथ इसे समझाओ। संतोष बुलंद है नहीं, ये भी देखता हूँ। तुमने मेरी कमजोर नस को पकड़ा है। तुम मेरी कमजोरी को जानते हो गोपाल। इस दुनिया में अकेली सबसे बड़ी। अकेली सब कुछ है, अकेली सब कुछ है। इस अकंदमंद बेटे को अपने साथ लेके जाने के लिए बोलो। सुना नहीं तुमने? लेके जाने के लिए। इसे अपने साथ ले जाओ। ये मुझे ले जाएगा। ये मुझे मेरी माँ के पास ले जाएगा। संतोष रुको बेटा। गोपाल इस हाल में उसे माँ के पास ले गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसकी माँ की जानकारी के बिना एक वीडियो कैसे लाया हूँ। चलो प्ले करो इसे। संतोष तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ कितने
परेशान है अभी पता चलेगा। वो देखो माँ, मेरा बेटा जहाँ भी हो खुश हो। मेरे दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा जाना जरूरी है। संतोष का ख्याल रखना। तो आइए सर। नमस्ते। मैम साहब नहीं आई क्या? एयरपोर्ट से सीधे यहीं आ रहा हूँ, इसे घर नहीं जा सका। मुमकिन नहीं मोती, जैसा तुम समझते हो वैसा केस नहीं, मामूली है। इस काम के लिए तुम किसी और को ढूंढो, अपुन से नहीं होगा। अरे यार साहब लोग बोल रहे हैं, मान एक बार बोल दिया ना। नहीं, उस मोती को कैसे मनाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आइए फॉलो करते हैं। ये तो खाम खाम पीछे पड़े। सॉरी, भाई वो जो ब्लू साड़ी वाली है ना। हाँ भाई, वही ब्लू साड़ी वाली तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हें बुला रही है। लाइट तो देखे जा। ऑल द बेस्ट। ओके, ये साड़ी सचमुच अच्छी है। हे, लगता है पागल है ये। मेरे पति ने मुझ पे कभी हाथ ही नहीं उठाया। मैं भी तब से देख रहा हूँ लड़कियों के चेहरे पर लाइट मार के उन्हें तंग कर रहे हो। ये कैसा स्टंट है तेरा? सर ये मेरा स्टंट नहीं है, पता नहीं तेरा स्टंट नहीं है। ए कॉल द पुलिस। कमिंग सर। ये क्या पुलिस इतनी जल्दी आ गई? नाम लेती है पुलिस आ गई? यही तो भारतीय पुलिस है, लेते हैं ना। पकार यार। राजा राजा मोती राजा, हम लोगों की रक्षा करो ना। ए तू भी एक पुलिस है, गुंडे के सामने रो रहा है? सर आपको गलत फहमी हो गई है, वो तो हमारे लिए रखवाला है सर। वो हमारी मदद करेंगे तो हमारी पदोन्नति होगी सर। सर जी जिस दिन हमारी बोनी नहीं होती है ना, तो यही किसी के इल्जाम को अपने सर के ऊपर लेके 5-6 महीने जेल के अंदर बिताते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो ये बलि का बकरा है। बलि का बकरा? जो दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी देता है उसे बलि का बकरा नहीं तो क्या कहेंगे? ऊपर वाले की कसम, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, मुझे भूल जाओ। ओके मोती, मोती, मोती। वो तेरे बेटे को मारे या ना मारे, लेकिन अपुन तेरे बेटे को जरूर मारेगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसे किसी भी तरह ढूंढ कर लाइए। इस अखंडमल बेटे को अपने साथ लेके जाने के लिए बोलो। सुना नहीं तुमने? लेके जाने के लिए इसे अपने साथ ले जाओ। जो दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी देता है उसे बलि के बकरे नहीं तो क्या कहेंगे? हेलो। अपने इकलौते बेटे के साथ खुशी खुशी रहने का फैसला कर लिया है मैंने। फैसला कर लिया तुमने? अर्जुन ठाकुर मानेगा? नहीं, मैं बेटे को बदल रहा हूँ। बेटे को बदल रही हो? अर्जुन ठाकुर को बलि चढ़ाने संतोष की जगह किसी और को खड़ा करने जा रहा हूँ मैं। उसे मेरा बेटा समझकर खत्म कर देगा वो। मेरे बेटे को मारने की खुशी में जश्न मनाएगा और इसी वक्त मौत को मात देने की खुशी में मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करूंगा। डन। देखिए सर, इस दुनिया में अपन का अपना कहने वाला कोई नहीं है। होश संभालते ही अपन जेल कोर्ट यही सब देखते आ रहा है। हाल ही में अपन ने किसी को दिल दे बैठा और अपन उसी की तलाश में जा रहा है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तुम्हें कोई भी रिश्ता मिल जाएगा लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं मिलेगा। अगर उस रिश्ते को ठुकराओगे तो मैं तुम्हें पैसों से नहलाऊंगा। देखो सर, वैसे ये माता जी कौन है? वही तुम्हारी माँ। मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा सर। सर आपका आपको कोई बेटा नहीं है लेकिन बेटी तो है ना? नो नो, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरे दोस्त की बेटी है। समझा सर। जब आपने बोला तो अपन को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन माँ जी का फोटो देखने के बाद ही अपन ने अपना इरादा ही बदल दिया। अपन अभी घर चलता है साहब। देखो बेटा, अगर मेरी वाइफ को मालूम हुआ
तो बहुत खुश हो जाएगी। ये क्या सर, वाइफ नाइफ। माँ बोलिए सर, माँ। सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि तुम मेरे दातक पुत्र हो। लोगों के सामने तुम्हें मेरे ओरिजिनल बेटे संतोष हो, क्योंकि अगर उसका बेटा इस जन्म में नहीं मिला तो वो दम तोड़ देंगी। सर ये मोती जान दे देगा लेकिन राज नहीं खोलेगा। प्रीति डार्लिंग, अपन तेरे लिए आ रहा है। इस माशत की महिमा ही कुछ और है। माँ जी, आपका बेटा मिल गया। हाँ हाँ, हमारा संतोष मिल गया। सच कह रहे हैं? हाँ माँ जी हाँ, साहब की मेहनत और आपकी पूजा बेकार नहीं गई। सच कह रहा हूँ माँ जी, कल साहब अपने साथ लेकर आ रहे हैं। मेरी बेटा ना? ये भी कोई बात है, साहब ने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं, ये आप दोनों का ही बेटा संतोष है। मेरा बेटा मिल गया। हाँ माँ जी, वो आने वाला है। मिल गया, तुमने सुना, मेरा बेटा मिल गया। यही मेरा बेटा है, देखा कितना सुंदर है। मेरा बेटा मिल गया, तुम भी देखो, ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा मिल गया मुझे, तुमने देखा, सुना तुमने, मेरा बेटा मिल गया मुझे। मेरा बेटा मिल गया, ये देखो मेरा बेटा, ये रहा मेरा बेटा, मिल गया। जरा फोटो दीजिए। बेटे के आने की खुशी में सारे शहर में उसके पोस्टर लगवाने, ऐसा करने का हुक्म बड़े मालिक ने दिया है। अच्छा किया, जिन लोगों ने कहा था कि मेरा बेटा नहीं आएगा उन लोगों को पूरी तसल्ली हो जाएगी, लेकिन किसी की बुरी नजर उसको नहीं लगनी चाहिए। जल्दी आओ बेटे। मैं नहीं आऊंगी, किसी ऐरे गहरे दूल्हे को देखने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। बेटे, मेरे होने वाले दामाद को ऐरा गहरा कह रही है, मेरे दोस्त रामनाथ का इकलौता वारिस है, जरा फोटो देखो। मुझे नहीं देखना। सुनिए जी, दामाद के आने का टाइम हो गया, आप समझते नहीं, आपके अकल पे ताला पड़ गया। जब तक मुझे दो बार गाली नहीं देगी तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी, जाओ यहाँ से जल्दी। जरा जल्दी से आइए। बेटी पहले फोटो तो देखो ना, कितना मासूम चेहरा है, देखने के बाद तुम खुद कहोगे कितना अच्छा लड़का है। डैडी बार बार ये चेहरा देखो वो चेहरा देखो कहते रहेंगे, फिर मैं आपका चेहरा भी नहीं देखूंगी। बेटे गलती से भी इसकी नजर अगर तुम पे पड़ गई ना तो ये फिदा हो जाएगी। मेरा बेटा अब तक आया क्यों नहीं? इतना इंतजार कर लिया है, थोड़ा और कर लीजिए। पहली बार बेटा घर आया है, समय बिल्कुल ठीक नहीं है, पता है ना, फिर क्यों लेकर के आए? बलि के बकरे ऐसे ही समय पर लाया जाता है, ये मत भूलो। सर नहीं समझे? वो वही तुम्हारी माँ है। क्यों सर, किस लिए रो रही हैं? मैं पसंद नहीं हूँ क्या? चाचा हाँ, बरसों बाद तुम्हें मिल रही है ना, इसीलिए। ठीक है जाओ। ये प्रीति कहाँ गई, यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। मुझसे बात नहीं करोगी? क्या मैं तुझसे बात नहीं करूंगी? माँ थोड़ी देर तुझसे बात नहीं की तो इतना तड़प रहा है, 20 साल तो मुझसे दूर रहा, सोच मैं कितना तड़पी होंगी। मैं भी प्रीति से मिलने के लिए बेकरार हो रहा हूँ। माँ को याद करके एक बार चिट्ठी लिखी तूने? 5 साल की उम्र में मैं गुम हुआ था, कहाँ था ये भी याद नहीं, अगर याद रहता तो खुद ही आ जाता मैं। हाँ बेटा, मैं भी कितनी पागल हूँ, लेकिन अब मुझे तो छोड़ के नहीं जाएगा ये बदकर। माँ मुझे नहीं छोड़ेगा ये वादा कर। ठीक है उठ जाओ माँ। पहले तू वादा कर कि मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। उठ जाओ माँ। संतोष हट जाओ। विद्या उठो, अब बेटा आ गया ना, अब वो चाहेगा तो भी
हमें छोड़ के नहीं जा सकता। जुड़े राजा, जुड़े राजा, जुड़े राजा। अरे वाह जुड़े राजा, वाकई मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है। दामाद का चेहरा हीरो की तरह चमक रहा है। मेरी किस्मत तो फूटी थी जो आप जैसा कांटेदार पति मिला। ए, अपना मुंह बंद कर, मद्रास की आउट ऑफ फोकस में तुझे पसंद किया था। जुड़े राजा, तुझे देखकर मुझे राणा की जवानी याद आ रही है। संतोष से मिलने बहुत लोग बाहर खड़े हैं, चलो। दामाद जी जरा कोट उतारिए। किस लिए? ओहो, गायब हुआ बेटा जो घर वापस आता है, कोई दाग है, कोई निशान है, पुरानी पिक्चरों में ढूंढते हैं ना, ठीक उसी तरह। जल्दी से निकालिए। हमेशा फिल्मों में खोई रहती है। मेरा संबंधी कौन है? एक्स कलेक्टर। सिर्फ वो ही नहीं, सब कुछ चेक करके लाए होंगे। कहाँ गयी? क्या हुआ दूल्हे राजा, कुछ खो गया? कुछ नहीं। मेरी बेटी ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? वो पता नहीं क्यों आपके आने की खबर सुधीर शर्मा के घर में बैठी। अच्छा? है। शर्म वाली बात तो हमारी परंपरा में है ही नहीं, पता नहीं आज क्यों शर्मा रही है। चलो दूल्हे राजा घर चलते हैं। अपने मोती को देखे बिना एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। प्रीति, मोती के अलावा मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। ए प्रीति, ए मोती, मोती, सॉरी मोती, अचानक पिताजी मुझे यहाँ पर लेके आ गए, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकी। अभी भी मैं तुमसे मिलने के लिए निकल रही थी, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। चलो चलो। किस लिए? किस लिए? यहाँ पे एक बेवकूफ दूल्हा बनकर आया हुआ है, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी इसलिए। हे कोट सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। मेरे मामा ने, ये क्या बोल रहे हो? बेटे के लिए बापी तो खरीद के देता है। मतलब मूर्ति संतोष नहीं है। साहब ये सब मेरी उम्मीद से बढ़कर है। देवी जैसी माँ, आप देवता समान है सर, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ आपके लिए। इसीलिए तो बुला कर लाया हूँ, उठो। ठीक है ठीक है, रात बहुत हो गई, जाके सो जाओ, जाओ। ठीक है सर। सर हा? आपका ये एहसान मैं भूलूंगा नहीं। वाटर पिस्टल हाथ में है, इसको काम नहीं दे पा रहा हूँ यार। अरे वाह क्या मस्त पटाखा है। आगे देखते जाके क्या होने वाला है। उठा के ले जाऊं? अबे पहले भी लौंडिया के चक्कर में तू फंस चुका है और तेरे बाप परेशान थे ये मैं ही जानता हूँ। अब तुझे सुधारने के लिए इस शहर में भेजा है, यहाँ किसी ने तुम पर हाथ उठाया तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अरे किसकी मजाल है जो मुझ पे हाथ उठाएगा। बेटे के आने की खुशी में मौत को भूल गए क्या? तेरा बेटा मौत के मुंह पर खड़ा है, उसके आने की खुशी में तूने पोस्टर चिपका दिया और उसके मरने की खुशी में मैं चिपकाऊंगा। तेरे बेटे को अब टपकाने जा रहा है। उसी लड़की का आशिक है, ये बहुत ही खतरनाक है। अरे चलो यार भागो यहाँ से। हाँ, कोई हाँ। गाड़ी निकाल। Thank you.
प्रीति, 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 निशाना मुझे लगाया, लेकिन प्रीति, प्रीति को गोली लग गई, प्रीति।